इंडियन कंटेंट का नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में चीप घटिया और एक ही जैसा कंटेंट हमें बार बार दिखाया जाता है, जिसमें दो चार गाने होने चाहिए, उसमें सिचुएशनल टाइमिंग का कोई अता पता नहीं, कूद कूद के रोमांस होना चाहिए। नो डाउट ऐसा होता भी है, लेकिन इतने बड़े समंदर में कुछ ऐसे दिग्गज क्रिएटर भी हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नहीं, हम ऑडियंस को समझ कर कंटेंट बनाते हैं, बस जरूरत है हमें उसे अप्रिसिएट करने की। क्योंकि जब तक हम अपनी छोटी सोच से ऊपर जाकर हम अपनी इंडिया की क्वालिटी कंटेंट को एक्सपीरियंस और अप्रिसिएट नहीं करेंगे, तब तक हमारा बॉलीवुड में रेपुटेशन नहीं आ सकता। हमने तो इस चैनल के जरिए ठान लिया है कि आप लोगों तक सिर्फ इंडिया की क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाया जाए। तो आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 10 में से टॉप 7 इंडिया की क्वालिटी कंटेंट, जो बॉलीवुड के प्रति आपकी सोच को बदलने का काम करेगी। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ इंडियन बोनस सीरीज को बताएंगे जो इस लिस्ट से एक लेवल ऊपर होगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग में से 99% लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्या है जो इस वीडियो में आपको अच्छा नहीं लगता, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस कमी को सुधार करेंगे, जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। तो चलिए हम अपनी इंडिया की क्वालिटी कंटेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की इंडियन सीरीज, अगर आप सस्पेंस मिस्ट्री सीरीज में नए हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 2021 की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री के साथ नवंबर स्टोरी। सीरीज की स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की स्ट्रगल की है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तमन्ना। बस इन्हीं की एक्टिंग की वजह से मैं इस सीरीज को लास्ट तक देख पाया। अपने पिता को एक मिस्टीरियस मर्डर से इनोसेंट साबित करने के लिए एक बेटी एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा देती है। सीरीज की खासियत है, एक क्राइम होने के बाद जब एक पर एक क्राइम हमारे सामने रिवील होता है ना, वो देखने के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं। और ऊपर से तमन्ना की हाईएस्ट लेवल की एक्टिंग, शायद इसीलिए हमें ये सीरीज लास्ट तक बांध कर रखा। सीरीज में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एकदम से आपके दिमाग घुमा दे, पर डायरेक्टर ने इस लेवल का सस्पेंस बिल्डअप किए हैं कि आपको सीरीज से लास्ट तक बांधे रखने में कामयाब होते हैं। तमन्ना की एक्टिंग के लिए एक बार इस सीरीज को जरूर ट्रैक करिएगा, इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 4 की सीरीज, इमरान हाशमी की कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, एकदम नेक्स्ट लेवल का 2019 की एक्शन थ्रिलर के साथ बार्ड ऑफ ब्लड। सीरीज की स्टोरी 4 इंडियन एजेंट की बलूचिस्तान से घुसकर उसे बचाकर लाने तक की जर्नी है, जिसमें इमरान हाशमी की हाईएस्ट लेवल की टॉप नॉच एक्टिंग देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात, इसके सिनेमेटोग्राफी सीधा आपको बलूचिस्तान की तबाही वाली गलियों में ले जाएगी। बस इस सीरीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे लिए, ये सीरीज के एपिसोड जिगजैग की तरह था, स्टार्ट के 2 एपिसोड और लास्ट के 2 एपिसोड एकदम पीक पे ले जाती है, बाकी बीच का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा खींचा हुआ लगा। सीरीज में 7 एपिसोड की जगह 5 एपिसोड होता तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट होता। बाकी सीरीज को देखिए, आपका पूरा टाइम डिजर्व करती है। इमरान हाशमी की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए एक ट्राई तो देना बनता है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज के बारे में पूछिए मत, एकदम माइंड ब्लोइंग। इन शॉर्ट, मेरा यकीन मानिए, ये सीरीज देखने के बाद आपके दिमाग पे हमेशा के लिए गहरा छाप छोड़ जाएगी। ये सीरीज देखते वक्त हमारे लिए नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस थी, इसे कहते हैं एक परफेक्ट इंडियन क्वालिटी कंटेंट। एक भी ऐसा एपिसोड नहीं होगा जिसमें आपके एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटा लो, आप फिर से बैक करके देखोगे। आपको सीरीज मजबूर कर देगा कि एक एपिसोड खत्म होने के बाद नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। ये सीरीज आपके दिमाग पे हावी हो जाती है 2020 की क्राइम ड्रामा के साथ आर्या। ऐसी इंडियन क्वालिटी कंटेंट को नहीं देखा तो क्या देखा, इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 3 की सीरीज एकदम फुल टसन और फुल एंड स्वैग वाली एटीट्यूड, बेधड़क बिंदास खतरनाक, मारेंगे तो मारेंगे क्राइम एक्शन के साथ, एकदम जबरदस्त 2018 की 2 सीजन के साथ रंगबाज। जिस तरह से सीरीज का नाम सुनने में लगता है उसी तरह से पूरी सीरीज स्वैग से भरी पड़ी है। सीरीज की स्टोरी एक आम फैमिली के एक आम सीधा साधा आदमी की शहर के सबसे बड़े रंगबाज बनने तक की स्टोरी है, जहां इस सीरीज में गैंगस्टर के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा देगी। सीरीज को 2 कारण से देखना चाहिए, पहला इसके ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रकाश शुक्ला की फुल एटीट्यूड में दमदार वाली एक्टिंग, आम लैंग्वेज में कहे तो उनकी बेधड़क बिंदास गुंडागर्दी, गैंगस्टर वाली एटीट्यूड। सीरीज में प्रकाश शुक्ला की एक्टिंग इतना जबरदस्त है कि कुछ टाइम सीरीज को देने के बाद अब प्रकाश
शुक्ला की कैरेक्टर में जीने लगोगे। सेम टू सेम टसन और बॉडी लैंग्वेज आप में आने लगेगी। इसे आप G5 पे दोनों सीजन देख सकते हैं। नंबर 2 की सीरीज ने प्यार दोस्ती का बॉलीवुड में डेफिनेशन बदल कर रख दिया। सही मायने में इसे कहते हैं एक परफेक्ट केमिस्ट्री के साथ रोमांस वाला सीरीज, जिसके ब्यूटीफुल और सिंपल स्टोरी लाइन सीधा आपके दिल में उतर जाए। 2020 की रोमांस ड्रामा 2 सीजन के साथ नेवर किसी और बेस्ट। स्टोरी दो दोस्त की है जो 5 साल बाद मिलते हैं एज अ फ्रेंड। सीरीज की सबसे बड़ा खासियत है डायरेक्टर ने दो दोस्त के बीच की प्यार और दोस्ती वाली केमिस्ट्री को इतने ब्यूटीफुल और बारीकी से हमारे सामने रखा है कि सच में भाई काबिले तारीफ है। ऊपर से तानिया और समीर की बीच की दोस्ती और केमिस्ट्री देखकर आप 100% इनकी कैरेक्टर में अपने आप को फील करोगे। दोनों की एक्टिंग ऐसी कि सीरीज आपको जकड़ ले। अब सीरीज में घुसते चले जाओ। वो दोनों की बीच की खट्टी मीठी सिचुएशनल मोमेंट कहीं पे आपको हंसाएगी तो कहीं पे आपको आंसू वाला रोना रुलाएगी भी, लेकिन इसके क्लाइमेक्स तक आते आते आपको प्यार और दोस्ती का सही मतलब सिखा जाएगी। इसके सेकेंड सीजन में डिफरेंट कैरेक्टर की वजह से नो डाउट सेकेंड सीजन भी काफी अच्छी है, लेकिन वो तानिया और समीरा की बीच की केमिस्ट्री आप कहीं ना कहीं जरूर मिस करोगे। बाकी इसके दोनों सीजन A1 है, आप इसे G5 पे देख सकते हैं। और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज। जिन लोगों को लगता है कि हमारा इंडिया इक्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उन सभी के आंख के सामने की पर्दे हटाकर उनकी सोच बदल देगी। इनफैक्ट ऐसी इंडियन क्वालिटी कंटेंट को रिव्यू करना मेरे औकात से बाहर है। 2021 की कॉमेडी ड्रामा TVF की वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज सीधा 9 IMDb रेटिंग के साथ एस्पायरेंट्स। सीरीज के बारे में क्या बताएं, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है इसे बताने के लिए। और खुशी की बात है आप ऐसी सीरीज को फ्री में TVF YouTube चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर TVF इसे फ्री में लाने के लिए, ताकि ऐसी कंटेंट लोगों तक पहुंचे। नंबर 1 की सीरीज हम ऑडियंस के बीच इतना पॉपुलर थी कि इसके सेकेंड सीजन लाना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज एक्शन ड्रामा के साथ द फैमिली मैन सीजन 2। अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इसके सेकेंड सीजन हमको थोड़ा डिसअपॉइंट किया। जितना हमारे लिए इसके फर्स्ट सीजन इम्पैक्टफुल था, उस लेवल तक इसके सेकेंड सीजन पहुंच ही नहीं पाया। और इसका सबसे मेन कारण है सीरीज में 3-4 लैंग्वेज को मिक्स कर दिया है। आधी टाइम तो सबटाइटल पढ़कर समझने में लग जाता है। ये हो सकता है मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हो, शायद आप इससे कम्फर्टेबल हो। सीरीज की सबसे खास बात है जो हमने एंजॉय किया, मनोज भाजपा और समंता अकिनिनी की एक्टिंग है यार टॉप नॉच लेवल का। सीरीज देखिए नो डाउट आपको पूरा टाइम डिजर्व करती है, लेकिन इसके फर्स्ट सीजन के एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा। बाकी सीरीज देखिए, इतना भी सीरीज बुरा नहीं है जितना हमने इसे बना दिया। सीरीज मस्ट वॉच है, आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। ऐसे ही हिडन और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग में से 99% लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर बताइएगा, उस कमी को 100% दूर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। We'll be right back.